नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वो करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बता दें कि आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जहां आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार का फैसला को बरकरार रखा गया है, आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बता दें कि आर्टिकल 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये माना है कि राज्य का दर्जा अब वहां पर जल्द ही बहाल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश भी दिए हैं। इसके बाद भारत के संविधान से चलेगा अब जम्मू कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है, सितंबर साल 2024 तक चुनाव कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। बता दें कि 5 अगस्त साल 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। राज्य को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों केंद्र शासित प्रदेश को बना दिए गए थे। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दाखिल की गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित भी रख लिया था। 370 हटने से 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने, यानी कि डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ी बातें रखी हैं। गौर करते हैं इन बड़ी बातों पर। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। यह फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है। अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी इस मामले में की है कि अनुच्छेद 370 हटाने में कोई भी दुर्भावना केंद्र सरकार की नहीं थी। जम्मू कश्मीर में अब जल्द चुनाव कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर साल 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो जाएं। साथ ही जम्मू कश्मीर में जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही अब राज्य का दर्जा बहाल हो। बता दें कि आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख को अलग करने का फैसला भी वैध था। सीधे तौर पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत दी गई है। इस मामले को लेकर सीजीआई ने टिप्पणी की और कहा कि जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था, हालांकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। सीजीआई ने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था, और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं जिसमें अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। सीधे तौर पर राष्ट्रपति के फैसले को लेकर भी उन्होंने ये बयान दिया। सीजीआई ने अपने बयानों में ये भी कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है, और साथ ही अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है, और राष्ट्रपति की तरफ से 370 निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि प्रासंगिक नहीं है आर्टिकल 370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या नहीं थी, इसको लेकर भी इस मामले पर सुनवाई की गई। जांच सीजीआई ने दिसंबर साल 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया, क्योंकि इसमें याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से
चुनौती नहीं दी थी। सीजीआई ने आगे कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। इसकी उद्देश्यता के तहत राज्य की ओर से केंद्र की तरफ से लिया गया हर फैसला कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह भी बड़ी टिप्पणी रही कि राज्य की ओर से केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया हर फैसला कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता, इससे अराजकता फैल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दें कि 5 जजों की बेंच ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि जजों ने इस मामले में 3 फैसले लिखे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में अपना फैसला लिया। तो वहीं पीडीपी ने यह दावा किया है कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया था। ऐसे ही दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया और उनके नेता उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट किया गया। हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दफ्तर से बताया गया कि किसी भी नेता को कश्मीर में हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए अभी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी स्टार न्यूज़।